अल्मोड़ा में पुलवामा में आरपीएफ जवानों के बलिदानों की 25वीं बरसी मनाई गई। इस दौरान एसएसपी आईटीबीपी के जवानों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने 40 आरपीएफ जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया, जहां एसएसपी के जवानों ने देशभक्ति गानों की धुन में बैंड की प्रस्तुति भी दी। वहीं पूर्व अर्धसैनिक बल के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी ने अर्धसैनिक बलों को इंडियन आर्मी की तरह सुविधाएं और बलिदान देने पर शहीद का दर्जा देने की मांग की। अल्मोड़ा से संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये श्रद्धांजलि का मुख्य उद्देश्य यह है कि 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में, कश्मीर में पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, तो हर साल उनकी शहादत को मनाने के लिए हम इस प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि जो लोग मारे गए वो किसी एक व्यक्ति विशेष के पुत्र नहीं है, बेटे नहीं है, वो पूरे देश के बेटे हैं। इस तरह हम अपने कोई हम हमारे परिवार को मरता है, स्वर्गीय हो जाता है, तो उसकी हम बरसी मनाते हैं। वो जो सपूत हैं वो पूरे देश के सपूत हैं, तो आज हम उनकी बरसी मना रहे हैं। आज 14 फरवरी 1924 को इस चौहान बटा में उन शहीदों को याद किया जा रहा है। हमारा मेन हम ये चाहते हैं कि उनके माँ बाप ये ना सोचें कि वो हमारे बेटे थे, वो पूरे देश के बेटे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी देश के नाम पर दी थी।